दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल एंड सबको हैप्पी दिवाली। एंड आज दिवाली हम है यूके में, तो मैंने सोची कि अच्छे से दिवाली मनाते हैं। दो सब कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन की है। फर्स्ट दिवाली है यहाँ पे, तो अभी मैं हूँ किचन में। अभी बज रहा है दिन के 2 बज गया है। मैं सुबह सुबह उठ के सफाई वगैरह कर रही थी, डीप क्लीनिंग एंड ऑल, क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट में टाइम नहीं हुआ, जॉब वगैरह था। तो फिर मैंने अभी 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 नहाई एंड साथ साथ लंच भी बना रही हूँ, एंड साथ साथ रात के लिए इवनिंग के लिए भी स्वीट्स वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि इंडिया का स्वीट्स यहाँ पे नहीं मिलती है। एंड अभी मैं बिठाऊंगी कलश जो मेन डोर में होगा, एंड रात को बाकी जो पूजा वगैरह है वो घर पे होगा। तो उसके लिए मैंने अपना थाली अभी तक का रेडी की है। तो चलिए पहले हम कलश बैठा लेते हैं। और मैंने हस्बैंड को बोली थी, थोड़ा थोड़ा लाइट्स उन्होंने डाला है एक दो, कुछ ज़्यादा कुछ लाइट्स नहीं मिलता यहाँ पे, क्रिसमस का लाइट्स मिलती है, तो वही हमने खरीदी थी एंड लाइट्स डालिए। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं, जो जो मैं करती हूँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है धूप, धूप या धूप क्या बोलते हैं इसको नहीं पता। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स जो नीचे था वही लिया। यहाँ पे कुछ चावल, यहाँ पे दो जगह है, एक तो मैं रात को इसमें कलश बिठाऊंगी, अभी मैं जो मेन डोर में वहाँ पे कलश बिठाऊंगी। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स एंड अभी मैं कुछ मिठाई बनाऊंगी, जो कि होगा बेसन का लड्डू। फिर बेसन के लड्डू के लिए मुझे घी चाहिए हुआ था, तो मैंने फ्रेशली घी बनाई है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रिटिश बटर जो मिलता है अनसॉल्टेड, उसको धीमी आंच में बिठाना है एंड उसमें से घी निकल जाता है। एंड यहाँ पे है मेरा घी जो मैंने ठंडा करने के लिए यहाँ पे रखी हूँ। तो घी बन जाएगा तो फटाफट बेसन का लड्डू भी शुरू करूँगी। तो चलिए पहले कलश बैठा लेते हैं। दोस्तों ये है कलश, जो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो मैंने इसमें हल्दी, सिंदूर एंड थोड़ा सा चावल एंड धूप एंड फ्लावर्स ये सब डाल के, पानी डाल के, तो हम इसको मेन डोर में बिठा देंगे। आई थिंक मेरी माँ जो है चावल के ऊपर इसको बिठाती है, तो मैं वैसे भी करूँगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसन के लड्डू का तैयारी है। इसी में घी थी तो मैंने क्या करी, इसी में ही बेसन के लड्डू के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो धीमी आंच में इसको कर रही हूँ, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है पता नहीं क्यों, बट स्टिल जस्ट स्टार्टिंग है, आई थिंक इट विल बी ओके। एंड आप देख सकते हैं अभी बेसन का लड्डू का तैयारी है, आपको दिखाती हूँ बेसन के लड्डू होने के बाद। और मैं इसमें डालूंगी चीनी, थोड़ा सा इलायची पाउडर एंड मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा आमंड की पाउडर, दैट्स इट। सो चलिए फटाफट से बनाते हैं बेसन की लड्डू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी ये घी छोड़ रही है, तो मीन्स ये रेडी है। और इसमें है ना, नीचे इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे एंड थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डालेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों चलिए फटाफट से अभी रेडी हो जाते हैं। ये देख सकते हैं बाल वगैरह कितना गंदा है, तो चलिए फटाफट से यहाँ पे रेडी होके फिर आपसे मैं मिलती हूँ। और यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मेकअप की हूँ, बाल ऐसे सेट की हूँ। तो या तो चलिए ये मेरा ड्रेस थोड़ा देख लीजिए, बहुत अच्छा है। अभी पूजा शुरू करते हैं, टाइम हो गया है, तो चलिए फटाफट से।
यहाँ पे मुझे दिया नहीं मिला, पर दिया के जैसा ऐसे कुछ लाइट्स मिल गई थी जो जिसको पीछे से आप ऐसे रिमूव करेंगे एंड इसका बटन है इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम तक बैटरी रहता है। तो मैंने इसको दिया जैसा यूज किया है क्योंकि मुझे दिया नहीं मिला। यहाँ पे घर पे ना आप दिया नहीं जला सकते, जल जाएगा घर। तो या हैं। अभी अभी मैंने अपने बेबी को रेडी की थी लेकिन वो सो गया है। एंड मैंने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने की ट्राई की है, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने स्टार्टिंग से एंड तक का वीडियो अपलोड की है, देख सकते हैं हम ऐसे यूके में दिवाली सेलिब्रेट किए। तो मैंने बनाई है बेसन की लड्डू एंड खीर, जो कि हमारा इंडिया में स्पेशली बनती है कुछ भी ओकेजन हो एंड ऑल। तो मैं अभी बनाऊंगी पूड़ी एंड आलू की सब्जी, आलू दम, या हम इंडिया में है ना दही बड़े के साथ आलू दम खाते हैं, तो मैं वही आलू दम, पूरी आलू दम भी हम खाते हैं, तो मैं शायद आलू दम एंड पूड़ी अभी बनाऊंगी। एंड ये था मेरा वीडियो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप देख सकते हैं दिवाली बहुत बहुत प्यारा है। तो ये मैंने ये ड्रेस है जो जिसको मैंने ऑर्डर की थी टिकटॉक से, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा भी आया है वीडियो में एंड फोटो भी। तो एंड या तो हाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टार्स Yes? Do you like it? Acha, Nini karenge. Come, come, let's do Nini. I know starlights are there, but come now we do Nini. Come. Hi, yeah, I see stars, but come and do Nini. It's night time. Oh. What was that?